गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र की ब्रिज विहार कॉलोनी में उस समय अफरा तफरी का माहौल मच गया जब इलाके में ही कबाड़ का काम करने वाले एक युवक पर पड़ोस में ही रहने वाली एक नाबालिग युवती ने रेप का आरोप लगाया। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। यही वो दुकान है जहां फैजान नामक जो कबाड़ी था अपनी दुकान चलाता था। फैजान की ये दुकान है। आक्रोशित भीड़ ने रात यहाँ तोड़फोड़ की। पुलिस ने हल्का लाठी बल भी प्रयोग किया लेकिन यहाँ पर तोड़फोड़ की तस्वीरें आपको साफ नजर आ रही होंगी। इससे चंद कदम की दूरी पर ही पीड़िता का घर भी है, नाबालिग जो बच्ची है उसका घर भी है। आरोप इस बात का लगाया था पीड़िता ने कि जब वो घर में अकेली थी तभी फैजान उसके घर में एकाएक घुसा, उसके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया और जब उसने उसका विरोध किया तो उसके साथ और ज़्यादा मारपीट करने के बाद उसे नशीला पदार्थ सुंघाया। नशीला पदार्थ सुंघाने के बाद उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके की यहाँ पर देख सकते हैं। जो फैजान है जो कबाड़ का काम किया करता था, हालांकि पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया था और बाद में गिरफ्तार भी कर लिया। फैजान के जस्ट बराबर में जो घर है उनसे जान लेते हैं किस तरह का इसका व्यवहार था, कब से यहाँ काम कर रहा था। मैम जानना चाहूँगा कब से यहाँ पर ये फैजान काम कर रहा है। ये फैजान तो एक्चुअली मालिक नहीं है यहाँ पे, यहाँ मालिक तो रेहान और निहाल है, वो दोनों तो सही हैं, उन्होंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। ये उनके साथ में आता है लड़का, वो कबाड़ी के जो ठेली वगैरह चलाते हैं उनमें है। अब उनका क्या रिश्तेदार है वो मुझे नहीं पता, लेकिन सारे मामा भांजे ऐसे ही बोलते हैं। तो लेकिन जो दो लड़के आते हैं वो तो उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं करी है, मैं भी देखती हूँ यहाँ। हाँ मैं डांट देती हूँ अगर कोई यहाँ पे ठेली इधर उधर लगी है, कूड़ा फैल रहा है, घर के बाहर गंदगी ना करें, मैं बोल देती हूँ। या फिर कहीं कुछ मुझे गलत दिखता है तो मैं खुद बोलती हूँ। हालांकि मैंने इसके लिए शिकायत भी डाली हुई थी कि यहाँ से भी बीच में रिहायशी कॉलोनी में क्यों हो। लेकिन फैजान की अगर मैं बात करूँ, फैजान का बिहेव कैसा था जैसा आप बताए थे वो थोड़ा सा? देखिए मैं एक्चुअली पर्सनली तो मेरे साथ तो कोई बदतमीजी नहीं करी उसने, लेकिन यह है कि हाँ भाई जाते आते तो देखते ही हैं लड़कियों को। मैं अभी अपनी बेटी को जाती हूँ तो पीछे पीछे जाती हूँ कि भाई कोई कोई मिसबिहेव ना करे और ना ही कोई इस तरह से देखे। तो ये लोग लड़कियों पर फब्तियाँ भी कसता था या सिर्फ उनको सिर्फ घूरता रहता था? मैंने बताया ना कि मेरे सामने तो नहीं कर सकते वो, अगर मैं जा रही हूँ तो वो ये बदतमीजी नहीं कर सकते क्योंकि मैं देखती हुई जाती हूँ, उन्हें पता है कि मैं तुरंत कंप्लेन कर दूंगी। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि लेकिन ये है कि नज़र तो जो जाती है वो हर एक लड़की को आगे पीछे से अच्छे से चेकआउट कर। बिल्कुल, फैजान के पड़ोस में ही रहने वाली है। इनका साफ तौर पे कहना यह है कि फैजान को दो तीन बार उन्होंने नोटिस किया, उसकी जो नज़र थी वो महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर, युवतियों को लेकर अलग ही थी, उन्हें पूरी तरीके से वो कहते हैं कि घूरा करता था। कुछ और लोग भी हैं मोहल्ले के, उनसे भी जान लेते हैं और बात कर लेते हैं। सर आप यहीं के रहने वाले हैं जी, क्या पूरा घटनाक्रम रहा आपको? ये यहाँ पर जो लड़के कबाड़ी का काम करते हैं ये दूसरे समुदाय से लोग हैं, ये लगातार इन लड़की को परेशान वगैरह करते थे। इसकी शायद मदर नहीं है और उसके फादर, इनकी माँ नहीं है, इसके फादर रिक्शा चलाते हैं। तो उस दिन वेनेसडे मार्केट हमारे वहाँ लगती है तो ये लोग मार्केट गए थे इस फादर इसके, तो लोग ज़बरदस्ती घर में घुस गए हैं और काफ़ी टाइम सुना के परेशान कर रहे थे लगातार इस लड़की को। तो ये कोशिश कर रही, थोड़ा ये गरीब समुदाय से है बेचारी, तो इन लोगों ने प्रेशर बना के घर में घुस गए और तीन चार बंदे थे ये लोग, इसको बेहोश किया गया। इसका छोटा भाई था 8 साल का, उसको भी इन्होंने मारा पीटा है। उसके बाद ये घटना तो बुधवार की थी लेकिन रात को कुछ लोगों ने इसे दबाने की कोशिश करी गई कि ये घटना ना उजागर हो, लेकिन जब अगले दिन सुबह बृहस्पतिवार को सारे लोकल लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए तो पुलिस पर दबाव बना, उसके बाद ये फिर कार्रवाई आगे स्टार्ट। फैजान को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना यह है कि जो परिजन हैं उनकी तरफ से शिकायत दी गई है उसमें सिर्फ फैजान का नाम दिया गया है, गलत है। इसमें कम से कम 4 से 5 लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। बिल्कुल, जहाँ पुलिस का दावा यह है कि फैजान का नाम लिया गया था और फैजान को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन वहीं जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो इलाके के लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना यही है कि फैजान उस लड़की को लगातार परेशान कर रहा था। वो लड़की चूंकि अपने घर में अकेली थी, उसकी माता का देहांत हो चुका है, पिता उसके रिक्शा चलाते हैं, तो ऐसे में उसको अकेला पाकर उसके घर में घुसे, उसके साथ मारपीट की, नशीला पदार्थ पिलाया और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।